नमस्कार, मैं हूं कर्मवीर। लाइव झारखंड ब्रेकिंग की दिन भर की बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। दिन भर की बड़ी खबरों के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, गोल्ड लोन, ब्लूम डेल, बुद्धिया बगान, आईएसएम कुंदाग, एनआईपीएस स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट और जीरो वरिज प्राइवेट लिमिटेड। सीसीएल के लाल लाडली कायाकल्प स्कॉलरशिप, मिशन इंजीनियरिंग 2022, कोचिंग आईआईटीएंस द्वारा, सारा खर्च सीसीएल द्वारा। हम कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। हमने यह कायाकल्प स्कॉलरशिप 12-13 में शुरू की थी। सफलता लगभग शत प्रतिशत है। बच्चे अप्लाई करें, कम से कम इंजीनियर अवश्य बने और एक अच्छा इंसान बने। विस्तृत जानकारी के लिए चेक करें हमारा वेबसाइट www.cclkelalandladli.in। कोरोना की जंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबी लड़ाई कहा। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की, जिसमें रक्षा मंत्री और गृह मंत्री मौजूद थे। भाजपा के स्थापना दिवस पर पीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं से गरीबों को खाना खिलाने, एहतियात बरतने, आरोग्य सेतु ऐप 40 लोगों तक पहुंचाने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर की बातचीत। दोनों नेताओं ने कोरोना के रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ लॉकडाउन के बाबत बातचीत की। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत आला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश के 130 करोड़ लोगों ने लॉकडाउन के दौरान मैच्योरिटी दिखाई। अमेरिका के संक्रमण बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फाउजी ने कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना पर नियंत्रण पाना नामुमकिन है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टू ने देशवासियों को कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए दी शुभकामनाएं। भारतीय रेलवे ने 2500 रेलवे बोगियों को बनाया आइसोलेशन वार्ड, 40,000 बेड और हो रहे हैं तैयार। कोरोना संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ को महिलाओं की सुरक्षा की चिंता। झारखंड सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव का ट्वीट, राज्य भर में 1337 जगहों पर मुख्यमंत्री दाल भात योजना केंद्रों का हो रहा संचालन। झारखंड में कोरोना का चौथा संदिग्ध मरीज रांची में मिला, उपायुक्त ने की पुष्टि। झारखंड राज्य आजीविका मिशन ने सभी पंचायतों में स्थापित किया मुख्यमंत्री दीदी किचन सेंटर। सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। लाइव झारखंड ब्रेकिंग की अपील, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए घरों में रहें और सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, जान है तो जहान है। हम भी आपसे यही आग्रह करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान घरों में रहें और सुरक्षित रहें। खुद का ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। जनहित में जारी।